आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपने ऑनलाइन ओपन किया है, उन्नति सेविंग अकाउंट या पावर सेविंग अकाउंट, लेकिन आपकी जो केवाईसी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने जो है अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते वक्त चेकबुक पर भी टिक मार्क लगाया था, यानी चेकबुक भी आपने अप्लाई किया था और एटीएम भी आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपको जो है एक महीना हो चुका है और आपका जो एटीएम कार्ड और चेकबुक है वो आपको डिलीवर नहीं हुआ है। तो डिलीवर करने का जो रीज़न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों आपका चेकबुक नहीं आया है। एटीएम कार्ड जो है आपका आ जाता है बिना केवाईसी के भी। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन अगर आप चेकबुक अप्लाई करते हो, चेकबुक अप्लाई करने के बाद भी आप केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका जो एटीएम है, चेकबुक है, वो आपको नहीं मिलता है। एटीएम आपको मिल जाता है बिना केवाईसी के। अब अप्लाई करने के लिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, अप्लाई हम जब करते हैं, जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, चेकबुक, एटीएम, पासबुक, काफ़ी सारे ऑप्शन उसमें शो करता है आपको ये फैसिलिटी चाहिए, तो आप जो है टिक मार्क लगा देते हो चेकबुक और एटीएम पर भी, लेकिन आपका जो एटीएम है वो आपको बिना केवाईसी के ज़रूर से मिलता है, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। ये जो बात है मेरी अपनाई हुई है, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो, यकीन आप मेरी बात पे नहीं कर रहे हो, तो आप जो है अपना अकाउंट ओपन करके पंजाब नेशनल बैंक में बिना केवाईसी के आप अपना एटीएम कार्ड होम यानी अपने घर पर मंगा सकते हो स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है पंजाब नेशनल बैंक में तो आप जो है ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड, चेकबुक जो है आपको नहीं मिलेगा, चेकबुक जब तक आप अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं करा लेते हो आपको जो है चेकबुक नहीं मिलेगा। तो आपको जो है अपने अकाउंट की केवाईसी ज़रूर से करा लेना है, केवाईसी कराने के बाद आपको जो है चेकबुक मिलेगा और बिना केवाईसी के सिर्फ आपको एटीएम कार्ड मिलेगा और अकाउंट नंबर। और अगर आप कंप्लीट केवाईसी करना चाहते हो तो आपको जो है अपनी होम ब्रांच में जाना है, होम ब्रांच में जाने के बाद आप अपनी कंप्लीट केवाईसी करा सकते हो। तो फ्रेंड यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।